मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 11 अप्रैल को नए लक्ष्य एवं नए बजट पर होगा केंद्रित। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रिपोर्ट वार्ता लोकवाणी की 17वीं कड़ी का प्रसारण 11 अप्रैल को रविवार को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस बार नए लक्ष्य एवं नए बजट विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। R9 भारत के लिए गोपी वर्मा की रिपोर्ट, छुईखदान एवं कवर्धा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच दुर्ग जिले के हालत बेहद खराब है। लगातार कोरोना संक्रमण के संपर्क में अब कोरोना वॉरियर कहलाने वाले पुलिस के जवान भी चपेट में आ रहे हैं, जो कि विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसलिए आज SP प्रशांत ठाकुर ने पुलिस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। दुर्ग में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 1500 से अधिक मरीज मिलने और कई लोगों की मौत होने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है। दरअसल जिले में 23 थाने हैं। थाने में लगातार फरियादियों का आना जाना लगा रहता है, जिसे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए जिले के अधिकतर थानों को सील कर दिया गया है, तो वही थाना परिसर में ही टेंट लगाकर थाने के संचालन किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में जिला पुलिस ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कोविड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, जहां पुलिस परिवार के सदस्यों का कोविड टेस्ट किया जाएगा, तो वही पॉजिटिव आने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो वही पुलिस परिवार में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें टीका भी लगवाया जाएगा और कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए काम किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के शिकार खुद लोगों की सुरक्षा पर तैनात पुलिस जवान भी हो रहे हैं। CSP कार्यालय में पदस्थ ASI की कोरोना से हुई मौत के बाद थाने को सील कर दिया गया तथा थाने का काम टेंट लगाकर किया जा रहा है। साथ ही सभी थानों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या ये कोविड मकसद ये है कि अभी कोविड का जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, अधिकारी जवान, उनमें भी कहीं में कोविड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको टेस्टिंग के लिए हम एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि यहाँ पे कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब के सहयोग से यहाँ पे एक चेकिंग का कर रहे हैं। साथ ही हम सभी थाने और चौकियों से पुलिस परिवार के, चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके अलावा उनके परिवार के सदस्य हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर है, उनकी सूची मंगा रहे हैं और उसको रजिस्ट्रेशन करके कमिश्नर साहब ने कहा है कि उनका यहाँ पर हम वैक्सीनेशन करवा देंगे। साथ ही हम हेल्प डेस्क इसलिए बना रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में वो फोन किसी एक अधिकारी को, दूसरे अधिकारी को, तो एक रजिस्ट्रेशन टाइप का रहेगा, वैसी चीजें रहेगी संबंधित, चाहे CSP हो चाहे Mic 2 Mic 3 में, जो स्तर पे हम उसको उसके तत्कालिक मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से मदद कर सके। साथ ही मैंने कमिश्नर साहब से आग्रह भी किया, तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि पुलिस के कर्मचारी जिनके साथ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर कुछ बेड्स वगैरह इनके लिए अलग से इंतजाम करवा देंगे। R9 भारत के लिए रवि सेन की रिपोर्ट, दुर्ग। जिले में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने इसे लेकर कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर समीक्षा आगामी 12 अप्रैल को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इससे पूर्व जारी लॉकडाउन की समीक्षा की जाएगी, निगम एवं हेल्थ विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। इसके आधार पर ही आगामी दिन में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाएगा। लगाए गए लॉकडाउन में ढिलाई संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि इस स्तर पर इसका खुलासा नहीं हुआ है। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले बैंक बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई। फिलहाल सुबह व शाम के समय दूध और अखबार बांटने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा हर जगह पर नियमित रूप से जाँच की जा रही है। R9 भारत के लिए रवि सेन की रिपोर्ट, दुर्ग। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से आतंक मचाया है, उसे लेकर पूरा देश हलकान है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में लगातार कोविड-19 की बाढ़ सी आ गई है, तो मौतों का आंकड़ा भी दिल दहलाने वाला है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कोरोना की पहली लहर में यह स्पष्ट था कि कोविड-19 की चपेट में आने वालों को सर्दी, जुकाम, तेज बुखार, गले में दर्द, सीने में तकलीफ और सांस फूलने की शिकायत होगी। लेकिन दूसरी लहर इससे भी बहुत भिन्न है। इस बार पहले की तरह दिक्कतें समझ नहीं आ रही है। यह सही है लगातार की बुखार में 102 डिग्री या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, वही 10 से 11 दिन तक रह सकता है। डायरिया की परेशानी हो सकती है और निमोनिया जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। वही कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आने वाले दूसरे शख्स में तत्काल वायरस अपना असर नहीं दिखाता, बल्कि शरीर में पूरी तरह से फैलने और रोगी को रोग में जकड़ने के बाद ही जांच में निकलकर सामने आता है। तब तक
इंसान पूरी तरह से बीमार हो चुका होता है और उसके भीतर सोचने समझने की ताकत तक नहीं रहती। इन तमाम बातों को लेकर राजधानी के निजी अस्पताल के डॉक्टर गिरीश अग्रवाल ने सेवा भावना के तहत कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन को लेकर वीडियो जारी किया है, जिसे देखने और बाकी बातों का पालन करना हर किसी के लिए हितकारी होगा। वैक्सीन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपको वैक्सीन लगाना है, ये मत सोचिए कि वैक्सीन आपको कोविड के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करेगी या नहीं करेगी, या इस पे इतने सारे भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है। वैक्सीन ज़रूर लगवाना है, मास्क ज़रूर पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करना है। एक बात और दोस्तों, कोविड का मरीज़ जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन जब तक उसको कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तब तक उसके लिए कोविड नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे शहर में मरीज़ों के लिए बेड नहीं है, सारे बेड फुल हो चुके हैं और ये स्थिति अभी ऐसी भयावह स्थिति बनी रहेगी। तो आप कोविड होने से पहले डरिए, जब कोविड हो गया तो आप अपने डॉक्टर को अपने आप को सौंप दीजिए। लेकिन हाँ, जो भी मरीज़ पहले से स्टेरॉइड खा रहे हैं या जो भी मरीज़ पहले से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, वो उन्हें लगातार जारी रखेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रोफाइलेक्सिस एक्सपोजर, किसी पेशेंट के संक्रमित मरीज़ के आप कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपको किसी भी प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही शुरुआत के एक हफ्ते में आपको कोविड के लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो फेविपिरावीर जो कि फेविफ्लू के नाम से मिलती है, इन सब दवाइयों का इसके इलाज में कोई भी रोल नहीं है। आप इसे अगर अपनी सिर्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए खा रहे हैं कि अरे क्या खा लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वो जारी रख सकते हैं, लेकिन ये खा के ये मत सोचिए कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगा या मेरी बीमारी इससे आगे नहीं बढ़ेगी। रेमडेसिविर भी अगर आप लगवाते हैं जब तक आपका ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि रेमडेसिविर लगवाने से मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। रेमडेसिविर के बारे में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जितने लोग रेमडेसिविर लगवा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, वो कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए कि रेमडेसिविर का स्टॉक छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार शॉर्ट हुआ है। अब आप ये सोचिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपनी ज़िद पे रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा रहा है, तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए दवा कम पड़ रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना इलाज खुद ना करवाएं या अपने डॉक्टर के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि मुझे ये इंजेक्शन लगवा दीजिए। चौथी चीज़ इसके बाद जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि एंटीबॉडी, लोग एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि मेरा एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो मुझे कोविड नहीं हो सकता, ये भ्रम है। एंटीबॉडी किसके शरीर में कितने दिन तक रहेगी, क्या एंटीबॉडी वाकई आपको कोविड से बचाव करती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीन लगवाने के बाद, 2 शॉट ऑफ वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा अच्छी खासी है, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कई मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको 2 शॉट ऑफ वैक्सीन लगाने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है, तो एंटीबॉडी के चक्कर में ना पड़ें। हमारे शरीर में 2 अलग अलग प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है। एंटीबॉडी जो हम नाप सकते हैं उससे आप नहीं बचेंगे, एंटीबॉडी आपके लिए सिर्फ एक फॉल्स मार्कर है। मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूँ, मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोविड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का इम्पॉर्टेंस है, और वो नंबर है आपका ऑक्सीजन का लेवल। आपकी सीटी स्कैन का सीवियरिटी स्कोर इम्पॉर्टेंट नहीं है। R9 भारत के लिए रवि सेन की रिपोर्ट, दुर्ग।